चैनल तो इवनिंग के टाइम हो रहा है और अब मैं सोच रही थी आज क्या बनाऊं डिनर में। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो बस ऐसे ही हो रखा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना पुलाव ही बना लेते हैं, वेजिटेबल पुलाव। थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा और खा भी लेंगे। तो चलिए, सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ना सारी तैयारी करके रख ली है। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं, टमाटर, प्याज, मटर, आलू और हरा धनिया और हरी मिर्च। तो यही वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, मैं यही डालूंगी। इधर मैंने कुकर में सरसों का तेल भी गरम कर लिया है और चावल को भिगो के रख लिया है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार ये रेसिपी। मैंने कट करके रख लिए हैं, इधर चावल भिगो लिए हैं, उधर सरसों का तेल भी गर्म हो गया है। अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा सूखा धनिया ना खत्म हो गया था, तो ये डब्बे में रखा हुआ था। सोचा मैंने कि इसमें चलो डाल लेती हूँ। घर पे फिलहाल कोई नहीं है, मैं ही हूँ, क्योंकि अर्जुन गया है नीचे खेलने के लिए अपने दादा के साथ में, और मेरे हस्बैंड कुछ नीचे काम था, जस्ट अभी गए हैं नीचे। तो सूखा धनिया मैंने भर लिया है इसमें, अपने जो मेरे बेबी का वो इसमें मसाले डालती हूँ। बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जीरा। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सबसे पहले जीरा, तो एक चम्मच भर के, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पुलाव में जीरा, थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा हींग भी डालूंगी। यहाँ पे डाल दिया मैंने हींग, और उसके बाद मैं प्याज डालूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज, तो प्याज को भूनने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे प्याज मेरी भून रही है अच्छे से, तब तक मैं चावल को वॉश कर लेती हूँ गाइस। चावल को मैं वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट उनको ना भिगो के रखा था, वॉश करके मैंने नहीं रखा था, तो मैं अभी उनको वॉश कर रही हूँ। चावल हो गए यहाँ पे वॉश। अब चलते हैं अपने आगे के स्टेप की तरफ। तो कैमरा बिल्कुल सेटिंग सही रखा हुआ है। तो यहाँ पे प्याज ना बिल्कुल भून गई है मेरी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। तो आलू मैंने डाल दिए हैं इसमें, उसके अलावा टमाटर मैंने ऐड कर दिया है इसमें, मटर भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने मटर भी डाल दी है, और मैं ना सूखा जो ये हरा धनिया है ना, वो भी मैं भी डाल रही हूँ। सारी वेजिटेबल्स डाल दी है, और अब बारी है मसालों की। गाइस तो बता दूँ मैं मसालों में क्या क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले देख लो, मैं डालती हूँ सूखा धनिया, और ये मैं ज़्यादा डालती हूँ, 4 चम्मच के आसपास या 5 चम्मच के पास भर के डालूंगी। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं, जब मैं डालती हूँ सामने आ रही है तो डाल दिया। अब डालेंगे हल्दी।
यहाँ पे मैंने हल्दी इसे थोड़ा कम है ना, थोड़ा सा डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है, बस यही मसाले मैं डालती हूँ और कुछ नहीं। तो ये सिंपल मसाले हैं जो डालने थे उसमें। अब इसको हम थोड़ा तेज ही फ्लेम पे रखेंगे और थोड़ा सा इसको भुनने देंगे अच्छे से। जो हम लोग मम्मियाँ बन जाते हैं ना, ये जो लोग मम्मियाँ हैं उन्हें पता होगा, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और छोटे हैं, मतलब फाइव क्लास तक तो रहता ही है, तो बहुत सारे मैसेज उन्हें सब चीज़ें हम लोग को ही देखने होते हैं। और अगर उनके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं 13 तारीख से, तो उसको भी पढ़ाना है। पढ़ा तो क्या पहले से रही हूँ, प्रिपरेशन तो करा ही रही हूँ, लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम में रहता है ना। अर्जुन 3rd क्लास में है, तो बस 4th क्लास में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। मुझे लगता है पुलाव ना थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जाएगा सुबह खाने में चाय के साथ। तो मैं इनको ना अच्छे से मिक्स करूँगी यहाँ पे, अच्छे से। थोड़ा भर गया है ज़्यादा, तो गिर रहा है ये। तो ये देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है गाइस, और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैंने बताया पानी मैं हमेशा अंदाजे से ही डालती हूँ, मैं कभी भी ऐसे मेजरमेंट करके नहीं डालती हूँ। जब जब मैंने मेजरमेंट करके डाला ना, तब तक मेरा जो है वो गड़बड़ी हुआ है। तो यहाँ पे मैं आलू से पानी ले लेती हूँ, तो मैं अंदाजे से ही डालूंगी पानी, ऐसे नहीं डालूंगी। जब जब मैंने ना ऐसे ग्लास के हिसाब से डाला ना, तब तक मेरा गड़बड़ हो गया है, तो मैं अपने अंदाजे से ही डालूंगी। तो यहाँ पे लिया मैंने पानी, चलते हैं वापस अपने कुकर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे डालते हैं पानी, ज्यादा ना हो जाए बस, एकदम परफेक्ट है, इतना तो चाहिए। थोड़ा तो चावल ना इसमें जाते हैं। तो गाइस सब कुछ तो डर गया, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, पूछिए क्या? नमक, देखिए मैं आप डाल दूँ। कई बार ऐसा हो जाता है ना, सब कुछ डाल देते हैं, नमक भूल जाते तो सारी मेहनत खराब कर दी जाती है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2-3 थोड़ा सा, वरना कम रह जाता है। बाकी आप अगर बनाते हैं तो फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है इसमें ना, जब आप बनाते हो ना, तो कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले ना थोड़ा सा उसमें घी जरूर डाला। उसका रीज़न है गाइस, बताऊंगी क्या है उसका रीज़न क्या है। एक तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब ये बन जाता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है ऊपर से, क्या बोलते हैं उसको, ये ना चिपकता नहीं है, केवल ना चिपक सा जाता है, जल जाता है, तो ऐसी वाली कंडीशन इसकी नहीं होती। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ, मैंने जो डाला है सब डाल दिया है, अब कर देते हैं इसको बंद। एक्चुअली ना मेरा कुकर ना थोड़ा खराब हो रहा है, बस परफेक्ट सीधी आ रही है इसमें, जब सब्जी बनाऊंगी तो बिल्कुल सही आती है सीधी, लेकिन जब मैं इसमें पुलाव बनाती हूँ ना, तब तभी गड़बड़ करता है। कोई नहीं, इसको बंद कर देते हैं, खराब रख दिया है बनने के लिए। गाइस किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आप कोई रेसिपी बना रहे हो उसमें नमक डालना भूल गए? मेरे साथ बहुत बार हो जाता है, और लेकिन आपको याद है मुझे, आपने डाल दिया है। अरे ये भी गड़बड़ ना करो ना, सारा पुलाव खराब हो जाना है। बस
तो यहाँ पे जो मेरा पुलाव है वो तो बन गया, लेकिन मेरे बर्तन बर्तन फैल गए, तो मैं सोची थी इनको साफ कर देती हूँ, गैस को साफ कर देती हूँ, तो बस बर्तन साफ कर लेती हूँ तब तक थोड़े से। अर्जुन आज कई दिनों बाद गया नहीं खेलने के लिए, क्योंकि उसको पैदल मैंने एक ब्लॉग में बताया भी था आपको। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते थोड़ी सी तो पसंद आती होगी ना, कुछ मिनट की तो पसंद आती होगी वीडियो, तो प्लीज कर लिया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज। वैसे तो मेरे व्यूज भी नहीं आते ज़्यादा, 100 के आसपास ही आते हैं, तो 100 में से अगर आप लोग देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो ना, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में आप लोगों का, प्लीज यार कर लिया करो ना। चलिए मैं धो लेती हूँ बर्तन, तो आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने घर क्या क्या बना है, आप लोगों ने क्या क्या खाया डिनर में, और मेन है कि किसने आज पुलाव बनाया है, ये बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे। आप लोग कौन से शहर से हैं, कहाँ कहाँ से देखते हैं मिलते हो ये मुझे बताइएगा, आप लोगों को पता होगा मैं तो नोएडा से हूँ, नोएडा में ग्रेटर नोएडा से, नॉट ग्रेटर नोएडा, नोएडा स्टेट पर। तो आप लोग भी मुझे बताना जरूर कहाँ कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं। हम तो अब नवंबर आ गए ना, तो कुछ कितनी सर्दी रहती है, बस होती हूँ ना तो किसी की जब भी बुक होती हूँ ना तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, और जब भाजी गिर भी करती हूँ ना तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। यार मैं बता रही थी ना आपको टीथ का, मेरे दो टीथ खराब हो गए, तो उसके बाद से मैं उनके टीथ रिप्लेस
आते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में ओवर थिंकिंग आ गई थी, बहुत अजीब से थॉट्स आने लगे थे। तो अभी मैं आपको फ़ोन को देखना थोड़ा बंद कर रही हूँ। रीडिंग मतलब गूगल ना कम करो आप लोग भी यार, अगर जितना आप गूगल करोगे उतना दिमाग ख़राब होता है। पता है अगर मैं गूगल नहीं करती ना, ये सब चीज़ें नहीं देखती, तो मैं डॉक्टर के पास जाती और डॉक्टर से पूछती क्या ट्रीटमेंट है मेरे टीम का, वो बता देते कि आपको इम्प्लांट करना है, कराना है, जो भी कराना है, ब्रिज लगवाना है, तो जो भी कराना है, तो मुझे जो भी होता अपना मेथड चूज करके मैं लगवा लेती। अगर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होता, मैंने डिटेल में इतना पढ़ लिया ना, तो आप मतलब दिमाग में इतनी बातें होगी, ये कराऊंगी तो ये होगा, ये कराऊंगी तो वो होगा, नहीं कराऊंगी तो क्या होगा, मतलब अननेसेसरी थॉट से कहते हैं ना, मतलब सोते टाइम जागते टाइम सब यही चलता रहता है, जाते जाते कुछ भी होगा ना, जब में टीके चलते रहेंगे, तो बस ये ना ये मेरा एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई थी गाइस। छोटे छोटे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है आजकल दांतों में, उनके परमानेंट टूथ अभी से निकल रहे हैं। तो जो चीज़ मैं लेट कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करो यार, अपने बच्चों को भी दोनों टाइम ब्रश कराए दो, मैं आप जाके दोनों टाइम करने लगी हूँ, मेरे वो ख़राब हो गया। तो बस यही है कि थोड़ा सा मेरा दिमाग शांत होगा, नॉर्मल हो जाएगा ना, तब मैं सोचूंगी जब ट्रीटमेंट करवाना पड़ा मैं गूगल में करने वाली। और मैं ना योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर रही हूँ, योगा क्लासेस में ज्वाइन कर रही हूँ, 1 वीक के बाद मैं योगा क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ। योगा बहुत अच्छा होता है गाइस, तो हम रूटीन में करते हैं ना तो बहुत अच्छा है, तो मैं करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और बाकी जो भी होगा आपके साथ दिखाया करूँगी मैं भी। तो मैं भी जिनसे मैंने देखा है, मैं उनसे बात बात करके देखती हूँ जब से क्लास शुरू होंगी। तो चलिए इसमें तो आने वाले और एक और आ जाए तो मेरा क्लास बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। इधर अर्जुन ने मंगवाया था ये डोरीटोस, उसे बहुत अच्छे लगते हैं डोरीटोस, क्योंकि कल उसे कहीं हंसने की आवाज है, इसमें क्या हुआ? सही कह रही है, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ मैं कह रही थी, हाँ कापर उला रहे थे दो बार बाइक पे, एक गिलास है चाय वाय दस वो पूछा आपने? तो मैंने कहा वो और दिखाई देगी, मैं तो मैं जल्दी सक कर दिया। क्या पूछा उनसे? मैंने तुम्हारे दादा कह रहे हैं वो अंकल वो तो छठे में डेथ हो। मैं कह रही थी हाँ 2 तारीख को हुई जब आप वो यहाँ आई थी। हाँ बताओ जब पहले लेके गए थे ना तो डॉक्टर ने बोला था एडमिट करा दो ना, इनकी वो होगी सी जी वगैरह सब होगी, अब दिखाएंगे उन्होंने। बेटा मान जाओ ना, जो दिवाली यानी कि दिवाली कहते थे अरे तो था भी बहुत एज का, पन्नी में गिलास उला वो मैं बता रही थी, वो अपने मुझे 80 साल का बता रही थी। हो सकता है हाँ 80 साल का बता रही थी, और उसको बहुत टाइम बेटा क्यों नहीं कहा कि उनको बार बार तो ना जो ऐसे खराब हो जाएगी कि मैं अपनी खराब हो जाएगी पर बार बार मत, तो वो 80 साल का था और एज ज्यादा है उसकी थी, और जो भी थी मैं वो डॉक्टर ने उनको 2 दिन पहले एडमिट करने को बोला था। और फिर जो पैसे बना रहे डॉक्टर, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके बताए थे कई सारे इन्होंने कराए थे, ठीक है उस दिन भी डॉक्टर कर रही थी यदि आज छुट्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया, अरे बताओ डॉक्टर ने जब एडमिट करने को बोला था डॉक्टर ऐसे एडमिट। सो गाइस पुलाव बन चुका था मेरा, तो बस मैं वो सर्व ही कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स में निकाल लिया है और पुलाव काफ़ी टेस्टी बना था, तो बस मैं ये लगा रही थी यहाँ पे, और साथ में मैं दही भी निकाल रही थी। पुलाव दही के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो मुझे बिना दही के भी अच्छा लगता है,
तो बाकी लेकिन अर्जुन को दही के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, सबके लिए खाना लगा रही थी। तो यही था आज का ब्लॉग। तो बाकी एक अंकल थे पड़ोस में हमारे, उनकी मतलब एजुट थे काफ़ी, उनकी डेथ हो गई थी, उन्हीं के बारे में भी हम बात कर रहे थे ऐसे ही घर पे। तो होता ही है जब हम जिनको जानते हैं उनके साथ इस तरीके से कुछ हो जाता है ना, तो माइंड बड़ा अपसेट सा, बड़ा दुखी सा हो जाता है। जिनको नहीं भी जानते उनके बारे में भी सुनते हैं तो बुरा तो लगता ही है, बुरा क्या, बहुत दुख तो होता ही है। तो बस उन्हीं के बारे में खाना लगाते लगाते उन्हीं के बारे में मैं बात कर रही थी। तो पुलाव काफ़ी टेस्टी बना था, तो अभी फ़िलहाल मैंने अर्जुन के लिए और उसके बाबा के लिए लगा दिया है, मैं बाद में खाऊंगी। इसके पापा भी अभी घर पे नहीं थे, बाहर थे, तो हम बाद में खाएंगे, तो पहले इनको दे देती हूँ मैं। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया है डिनर में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, एंजॉय योर डिनर।